तो पहले ही बता दे रहा हूँ यार, इससे ज्यादा रेलिवेंट टेस्ट सीरीज कोई आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं बना सकता, कोई भी आपकी टॉप से टॉप फैकल्टीज नहीं बना सकती, जो कि यार ये खुद में सबसे ज्यादा रेलिवेंट है वो है यार। सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज प्रायुष राय। और रिसेंटली मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाली थी कि यार आपको कितने मिनिमम मॉक टेस्ट चाहिए अगर आपको 99% अचीव करनी है। अब यार उस वीडियो में कमेंट सेक्शन में, उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में यार मेरे को बहुत सारे कमेंट आए थे, यार भैया आपने यार ये तो बता दिया कि हमें कितने मॉक टेस्ट देने हैं, अब यार ये भी बता दो कि हम मॉक टेस्ट दें कहाँ से। तो फाइनली यार इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत ज़्यादा रेलेवेंट सोर्सेज बताने वाला हूँ जहाँ से आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे सकते हो, पार्ट टेस्ट मॉक टेस्ट दे सकते हो, एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। पहले कह दे रहा हूँ यार, इनमें से कोई भी कोचिंग है या फिर कोई भी बड़ा ब्रांड है उसने मेरे को कोई पैसे नहीं दिए हैं उसका नाम लेने के लिए, मतलब कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। अगर होती है तो मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय दिस ब्रांड, बट यार ये वीडियो किसी भी ब्रांड से स्पॉन्सर्ड नहीं है, जो मैंने यार खुद लास्ट ईयर पेपर दिए थे, जो मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगा कि नहीं भाई ये टेस्ट सीरीज रेलेवेंट है, ये बेकार है, तो मैं उसी के हिसाब से आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो विद दैट बीइंग सेड, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। यार तो जो सबसे पहला रेलेवेंट सोर्स है जहां से आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, पहले ही बता दे रहा हूं यार, इससे ज्यादा रेलेवेंट टेस्ट सीरीज कोई आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं बना सकता, कोई भी आपकी टॉप से टॉप फैकल्टीज नहीं बना सकती, जो कि यार ये खुद में सबसे ज्यादा रेलेवेंट है वो है यार आपके जितने भी जेईई मेंस के पेपर हुए थे 2020 में। ठीक है, उनको आप एज अ मॉक टेस्ट दे सकते हो। टोटल यार 16 पेपर हुए थे, तो मतलब यार अगर अभी तक आपने इनके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रखा है चैप्टर वाइज, है ना, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारों ने चैप्टर वाइज भी सॉल्व कर रखा होगा। अगर आपने अभी तक इन्हें चैप्टर वाइज नहीं सॉल्व कर रखा तो डेफिनेटली दिस इज द टेस्ट सीरीज फॉर यू। इस टेस्ट सीरीज को मिस मत करना अच्छे से A to Z, क्योंकि यार इससे ज्यादा रेलेवेंट टेस्ट सीरीज कोई हो नहीं सकती। मैंने खुद यार 2020 के जनवरी अटेम्प्ट से पहले मैंने 2019 के सारे 16 पेपर सॉल्व किए थे। यार आपके पास भी टोटल 16 पेपर हैं, आप 2019 के पेपर को भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपने उन्हें नहीं सॉल्व कर रखा पहले से उनके क्वेश्चंस को। डेफिनेटली इससे ज्यादा रेलेवेंट टेस्ट सीरीज आपको कहीं और मिल नहीं सकती, क्योंकि यार ये डायरेक्टली NTA द्वारा बनाए गए पेपर हैं जो कि बहुत मतलब रेलेवेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो पहली टेस्ट सीरीज मेरे ख्याल से आपको पता चल गई है। अगर आपने ऑलरेडी उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा है तो भी आप इस टेस्ट सीरीज को दे सकते हो, पर यार तब आप ये मान लेना कि आपका स्कोर थोड़ा ज्यादा आएगा, है ना, क्योंकि आपने ऑलरेडी क्वेश्चंस देख रखे हैं सारे। तब उस केस में यार आप ये मत समझना कि जो आपका स्कोर आ रहा है वो असली स्कोर है। ठीक है, वहीं यार दूसरे केस में अगर आपने पहले से नहीं दे रखे हैं, पहले से नहीं सॉल्व कर रखे इन सारे क्वेश्चंस को 2020 वालों को, तो डेफिनेटली यार आप इसे एक टेस्ट सीरीज की तरह दे सकते हो, तब आपके लिए मैंडेटरी है। बट यार इनकेस आप पहले से ही सॉल्व कर रखा है आपने इनको चैप्टर वाइज, तब आपके लिए ऑप्शनल है। तो यार अब आप पूछोगे भैया आपने यार ये तो बता दिया हमें 2020 के पेपर देने चाहिए, पर हम दें कहाँ से? तो यार मैं आपको दोनों ही ऑप्शंस बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन देना चाहते हो तो मैं आपको सारी PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, बट इन केस यार अगर आप इसे ऑनलाइन देना चाहते हो तो मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बता देता हूँ। ठीक है, वहाँ पर जाके देना, मैंने खुद वहाँ पर जाके दिया था। ये प्लेटफॉर्म यार एलन का है। ठीक है, अभी यार ये मत समझ लेना कि एलन ने मुझे स्पॉन्सर किया है। ठीक है, एलन मुझे क्यों स्पॉन्सर करेगा यार? ठीक है, एलन तो RCB को स्पॉन्सर कर सकता है, तो मुझे क्यों करेगा, है ना, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचना कुछ। मैंने खुद यार लास्ट ईयर पर्सनली एलन पे पेपर दिए थे पास्ट ईयर वाले, तो उससे यार मैं आपको उसके बेनिफिट बता देता हूँ। ठीक है, तो आ जाओ सब लोग स्क्रीन पे। तो यार देखो, इसमें इंपॉर्टेंट जो बात है कि आप फ्री में दे सकते हो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, है ना, आपको यहाँ पे कोई पैकेज वैकेज लेने की जरूरत नहीं है, ना कुछ भी पैसे नहीं पे करने की जरूरत है। आप यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे आओगे, मैं लिंक दे दूंगा इसकी वेबसाइट, इस वेबसाइट के नीचे डिस्क्रिप्शन में, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल है 2020 में जनवरी सेट 4, ठीक है, तो उस पर हमने क्लिक किया अटेम्प्ट पे। तो यार जो इसका इंटरफेस होता है ना, डिट्टो सेम है जैसा कि यार आपका असली जेईई मेंस के एग्जाम में होने वाला है। जो NTA आपका जेईई मेंस का एग्जाम कंडक्ट कराएगा उसका इंटरफेस और इसका इंटरफेस एकदम डिट्टो सेम होता है ना, तो वही थोड़ा यार आपको पहले से ही पता रहेगा कि अच्छा भाई ऐसा इंटरफेस होता है, हमें ऐसे ऐसे चीज़ें, ऐसे ऐसे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, एकदम डिट्टो सेम टू सेम चीज़ें हैं जो आपकी असली पेपर में होती हैं। दैट इज़ वाई यार मुझे प्लेटफॉर्म सही लगता है, और फ्री में है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, है ना। इसके अलावा भी यार इस पे पेड सीरीज टेस्ट सीरीज भी होती हैं, वो तो मैं नहीं कह रहा फिलहाल के लिए, बट आप जो फ्री में है उसका फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हो, है ना। आप यहाँ पे मतलब ऑप्शन ऑप्शन मार्क करके, है ना, हमने कुछ भी ऑप्शन मार्क कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट ये, ठीक है, तो उसके बाद सबमिट कर दो। ठीक है, एक बार जब आप सबमिट कर देते हो ना तो भी आपको यार इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आपको यार आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज कर सकते हो, है ना, आप उन्हें सिली मिस्टेक या फिर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक में कैटेगराइज कर सकते हो, है ना। उसके बाद यार वो आपको बताएगा कि अच्छा भाई आप इतने मार्क्स इंप्रूव कर सकते थे अगर आपने सिली मिस्टेक्स नहीं की होती। तो यार ओवरऑल इसमें बहुत सारी फीचर्स हैं, और सब कुछ यार जब फ्री में मिल रहा है तो डेफिनेटली यू शुड यूज दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसे जाने मत दो अपने हाथ से।
बाकी यार मैंने भी अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे भी दिए थे, ठीक है, और मैंने तो यार बल्कि एलन की टेस्ट सीरीज भी ले रखी थी, ऑल्दो यार मैं वो रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट यार आप फ्री वाली चीज़ को तो डेफिनेटली यूटिलाइज कर लो अच्छे से, है ना। तो जो दूसरी टेस्ट सीरीज है जो मैंने खुद दी थी यार लास्ट ईयर, यार वो थी अनअकैडमी पे, ठीक है। अनअकैडमी पे यार आपको बहुत सारी फ्री में टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं। अब यार ये मत समझना कि मैं हाँ अनअकैडमी का प्रमोशन कर रहा हूँ, अगर स्पॉन्सर्ड होती वीडियो अनअकैडमी से तो मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ, दिस वीडियो इज नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड बाय अनअकैडमी। तो लास्ट ईयर मैंने खुद जब मेरे टाइम था तो मैंने जितने भी अनअकैडमी पे फ्री में टेस्ट अवेलेबल होते थे, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, उन्हें मैं देता था, ठीक है। अब यार इस साल भी अनअकैडमी की एक टेस्ट सीरीज है एस्पायर करके, जेईई 2021 वाले बच्चों के लिए। अब यार इसमें आपके लगभग 16-17 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, और मतलब हर महीने 3-4 मॉक टेस्ट होते हैं, तो आप कि मतलब आराम से 20-22 मॉक टेस्ट तो इसमें आपको मिल ही जाएंगे, है ना। तो इनके साथ अगर आपने पहला वाला अपना सेट कंप्लीट कर दिया तो उसके बाद यार आप इस टेस्ट सीरीज पर आ सकते हो। इसमें यार आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यार यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन मिल जाते हैं ना। तो वीडियो सॉल्यूशन यार ये रहता है कि कोई भी थोड़ा बहुत डाउट वाउट रहता है, कोई कॉन्सेप्ट में डाउट रहता है तो वीडियो देख के हम वो क्लियर कर लेते हैं ना। मेरे साथ तो मैंने भाई इनके टेस्ट सीरीज को दिया था, मुझे रेलेवेंट लगी थी, थोड़ी बहुत कहीं कभार मिस्टेक हो जाती थी यार, वो हर टेस्ट सीरीज में हो ही जाती है ना। एनडीए के पेपर भी यार इतने 100% एक्यूरेट नहीं होते हैं ना, तो थोड़ा बहुत तो मिस्टेक मिल ही जाती है आपको, बट ओवरऑल यार मैं खुद रिकमेंड करूंगा जाके एक बार देख लेना, अच्छी टेस्ट सीरीज है यार, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना यार कि इनरोल करते वक्त शायद तुमसे प्रोमो कोड कोई मांगे तो वहाँ पे तुम प्रायुष राय यूज़ कर सकते हो, ठीक है। प्रोमो कोड मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा, ठीक है, वो बस आपको इनरोल करते वक्त डालना है और कोई भी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, और कुछ नहीं आपको पैसे वैसे कुछ नहीं देने, ठीक है। जो अपने पास तीसरी टेस्ट सीरीज है यार वो है आपकी imbibe.com पे, है ना। अभी यार imbibe.com मैंने लिंक दे रखी डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ जैसे ही खोलोगे तो आपको कुछ ऐसा पेज दिख जाएगा, है ना। अभी यार इस पेज में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर टेस्ट अवेलेबल हैं, 46 टेस्ट अवेलेबल हैं, फुल सिलेबस टेस्ट अवेलेबल हैं 23, है ना। अब यार ये फ्री में आप दे सकते हो, इन्हें अटैम्प्ट कर सकते हो, है ना, एकदम नए पैटर्न पे हैं, कुछ पुराने पैटर्न पे भी हैं, तो आप इन्हें दे सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा यार imbibe में डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रहता है कंपेयर टू रियल जेई मेंस, बट वर्थ इट, है ना। ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि फिट जी वाला लेवल नहीं होता, बस थोड़ा सा ज़्यादा कुछ क्वेश्चन होते हैं इसमें अच्छे। बाकी यार मैंने भी दे रखे थे इस पे, ऐसा नहीं कि मैं हवा में बोल रहा हूँ, मैंने खुद यार इस प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, ये देख सकते हो तुम, ठीक है। अब यार ये मेरे भाई का अकाउंट है, मैं उसी का ही अकाउंट यूज़ करता था उसी के लैपटॉप में, तो इस वजह से तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा। और बाकी तुम देख लो यार मैंने टेस्ट वेस्ट दे रखा था, आखिरी टेस्ट मैंने जो इसमें दिया था वो 3 सितंबर को दिया था, जेईई मेंस 2019 का एक पेपर दिया था। तो मैंने यार मैं इसमें रेगुलर प्रैक्टिस करता था और मुझे यार बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगा ये, तो मैं भी रिकमेंड करूंगा यार, इन केस अगर आप देना चाहते हो टेस्ट वेस्ट तो आप इस प्लेटफॉर्म पे टेस्ट दे सकते हो, ठीक है, आपके पास फ्री में अवेलेबल टेस्ट यहाँ पर है। तो फाइनली यार जो अपने पास चौथी टेस्ट सीरीज आती है यार वो आती है एनटी अभ्यास ऐप। अब यार एनटी अभ्यास ऐप को मैंने लास्ट में यार इसलिए रखा है क्योंकि यार इसमें थोड़ा सा सीन अलग सा रहता है ना, थोड़ा सा बैलेंस नहीं रहते पेपर, है ना। ऑल्दो यार इस पे मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा कि आपको कब देने चाहिए एनटी अभ्यास ऐप के पेपर, कब नहीं देने चाहिए, तो अगर आपको यार वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार बता जरूर देना। और बाकी यार बहुत जल्दी ही वीडियो बना दूंगा एनटी अभ्यास ऐप के ऊपर कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, किस सिचुएशन में आपको उसके टेस्ट देने हैं, किस सिचुएशन में आपको उसके टेस्ट नहीं देने, तो प्लीज़ मेक श्योर अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, और अगर यार ये वीडियो थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना। अब यार देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ तुम्हें, अगर यार सारे प्लेटफॉर्म्स को तुम मिला दोगे जो मैंने आपको बताए हैं आज, उन सबको मिला दोगे, उन सारी टेस्ट सीरीज को मिला दोगे, तो आपके पास लगभग 200 से ज़्यादा, ठीक है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। तो यार अब किसी के पास ये बहाना तो नहीं रहेगा ना भैया कि हमारे पास तो यार भैया मॉक टेस्ट नहीं है, मॉक टेस्ट कहाँ से दें यार भैया सारे पेड हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के बाद कोई ये बहाना तो नहीं देगा, है ना। तब तक यार मिलते हैं अगली वीडियो में, सी या।